नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का जो प्रदर्शन दिखाया है, खास तौर पर इस समय इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक के बाद एक जो आप कह सकते हैं कि फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और ख़ास तौर पर जो विपक्ष की भूमिका वो मजबूत ढंग से निभा रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर उनको लेकर के जो स्थिति बन रही है, और इस पर अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कई और चेहरे जो हैं उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ख़ास करके जो अब चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2027। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई अखिलेश यादव अब और नए चेहरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, और क्या उसमें बीएसपी का भी नाम शामिल हो सकता है, मायावती का भी नाम शामिल हो सकता है, चूंकि ये ऐसी पार्टियां, ऐसे चेहरे हैं जिनकी वजह से सीटों में और ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो मिल सकती है गठबंधन को। लेकिन इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर कोई भी अभी तक बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में भी अपनी वही ताकत स्थापित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हर मोर्चे पर वो लगातार इसको लेकर के जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बताते हुए और साबित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे थे कि वाकई उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की भूमिका वो निभा रहे थे और बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या वाकई और जो चेहरे हैं वो उनके साथ खड़े होंगे, इसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, लगातार हमारी नज़रें बनी है। दर्शकों, पूरी जानकारी आपको आने वाले दिनों में भी लगातार हम देते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये जो है राजनीतिक समीकरण बन पाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।